जो भी एफआईआर हुए हैं क्या हुआ है इसको एफआईआर कर देना, ये सफिशियंट कारण नहीं होता इस्तीफा का। इसलिए विधानमंडल ने जो तय किया हमारा, हम उस पर कायम हैं और भाजपा को हम अपने तरफ से स्पष्ट कर देना चाहते हैं देशवासियों को कि भाजपा का ये जो चल रहा है खूनी ये सब खेल हो रहा है, सब बाल बच्चों से लेकर के चारों तरफ घेरने का, तो हम कारण नहीं बनेंगे राष्ट्रीय जनता दल। बाकी लोग जो निर्णय लें नहीं लें, हमारे तरफ से गठबंधन पर हम कोई आँच नहीं आने देंगे। और हम बंधे हुए हैं अपने पार्टी से, अब विधानमंडल ने जो निर्णय ले लिया है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। जिनको संपत्ति देखना है समझना है, 20 बार हम सफाई दे चुके हैं और सब पब्लिक डोमेन में है, जाकर देखो। सर जो खबरें आ रही है कि नीतीश जी से बहुत दूरियां बढ़ गई लालू जी की, ना हम किसी से दूरी नहीं बढ़ाते हैं। नीतीश कुमार से हमारा कोई दूरी नहीं, हम कोई दूरी नहीं बढ़ाते हैं। हम व्यस्त हैं, हमारे ऊपर चारों तरफ आप समझ रहे हो कि हमले हो रहे हैं हम लोग के बच्चों पर। और हम लोगों ने ये कहा, तेजस्वी ने भी कहा कि हम जितना ये षड्यंत्र हो रहा है, जितना षड्यंत्र हो रहा है 27 तारीख को अगस्त को रैली है, इस बीच हम जाके जनता को बताएंगे, जनता के मालिकों के बीच में हम जाएंगे। तेजस्वी ने यह बयान दिया, मैं भी बयान दे रहा हूँ कि हमको फुर्सत नहीं मिल रहा है कोर्ट कचहरी से, और हम पूरा 27 तारीख का ये जो रैली कर रहे हैं सारे लोगों को जुटाने का, सारे नेताओं को समान विचारधारा का, भाजपा हटाओ देश बचाओ, उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। इन सब चीज़ों में उलूर जुलूर है, ये टीवी सटन टीवी ये जो चला रहा है, अपने मन से जो चला रहा है, ये बिल्कुल बकवास है।